हेलो बच्चों, वी हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टेट फिगर्स शोज अ क्रूड टाइप एटोमाइज ऑफ एन अ बल्ब इज कंप्रेस्ड एयर फ्लो स्विफ्टली थ्रू ट्यूब बी सी कॉजिंग अ रिड्यूस्ड प्रेशर इन द पार्टिकल्स ऑफ द वर्टिकल ट्यूब। लिक्विड राइजेस इन द ट्यूब इंटर्स बी सी एंड इज स्प्रेड आउट। द प्रेशर इन द बल्ब इज पी ए प्लस पी, वेयर पी ए द गेज प्रेशर एंड पी एस द एटमोस्फेरिक प्रेशर विद द स्पीड ऑफ एयर इन बी सी। Find how large would we need to be to cause the liquid to rise to BC? The density of air is 1.3. तो यहाँ पे हमें प्रेशर पता है P atmospheric plus P। सपोज करते हैं यहाँ पे प्रेशर कुछ है अपना P BC, ठीक है। तो इस प्रेशर को हम लिख सकते हैं P BC equal to P atmospheric minus rho g h। क्यों? क्योंकि इसको एच हाइट तक ऊपर आना है, तो इसको लिख देंगे अपन पी एटमोस्फेरिक माइनस रो जी एच। अब हम लगाते हैं ए और इस पॉइंट के बीच में बर्नौली थ्योरम। यहां पे हम मानते हैं कि वेलोसिटी वी जो थी वो जीरो है, वी इक्वल टू जीरो, और यहां पे वेलोसिटी है वी। ओके, तो यहां पे जीरो और यहां पे वी, तो अपन लिख सकते हैं पी ए प्लस पी इक्वल टू पी बी सी प्लस वन अपॉन टू रो वी स्क्वायर। तो पी ए प्लस पी इक्वल टू पी बी सी की जगह पे अपन लिख सकते हैं पी ए माइनस रो जी एच प्लस वन अपॉन टू रो वी स्क्वायर। तो इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो पी ए कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमें मिला पी प्लस रो जी एच इक्वल टू वन बाई टू इंटू रो की वैल्यू है एयर की 1.3 इंटू वी स्क्वायर। तो यहां से हमें मिल जाएगा पी प्लस रो जी एच डिवाइडेड बाई 0.65 इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू हो जाएगी हमारी पी प्लस रो जी एच डिवाइडेड बाई 0.65, ये वी स्क्वायर है। तो हमारी वी की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर पी प्लस रो जी एच डिवाइड बाई 0.65। इसमें ऑप्शंस पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, इधर पे फुल पे वो होना चाहिए। तो हमारा आंसर नंबर 1 सही आंसर होगा इस क्वेश्चन।